विद्या मंदिर परिवार के सभी सदस्यगण सबको मेरा प्रणाम और अपने बुजुर्गों को अपने बड़े को सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं हेमंत कुमार सिंह MPS विद्या मंदिर का व्यवस्थापक आप सबों को नमस्कार करता है। दोस्तों, यह MPS विद्या मंदिर हर साल की भांति 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अपने अलग ही अंदाज में मनाते हुए आई है। दोस्तों, आप सभी ग्रामवासी और MPS परिवार के जो सदस्य हैं उन सब के आशीर्वाद से MPS विद्या मंदिर पिछले 4 साल से नंबर 1 रहा है। इस सब के लिए इस समाज और MPS परिवार के सभी सदस्य को मैं देना चाहता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से ही यह MPS विद्या मंदिर पिछले 4 सालों से नंबर 1 पोजीशन पे कायम है। दोस्तों, इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। छोटा सा मेरा आप सब भाइयों से निवेदन है कि बार बार हमारे इस हिंदुस्तान में हमारे तिरंगा झंडा राष्ट्रीयता की लेकर के विवाद उठते रहा है। हमारी विचारधाराओं में इस तरह की अविश्वास फैल गया है, जिसके कारण कई लोग हमारे हिंदुस्तान का जो राष्ट्रगान है उसको गाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो शिक्षा का विचारधारा है सभी बच्चे को अलग अलग विचारधारा से एजुकेशन मिला हुआ है और उसी हिसाब से वो अपने आप को राष्ट्रीयता को तोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों, क्योंकि राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। और कई बार नेता लोगों के द्वारा, जो वर्तमान नेता हैं उन लोगों के द्वारा अपने वोट बैंक के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्रीयता को हाशिए पे रख देते हैं, देश को खतरे में डाल देते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज चैनल में लगातार प्रसारित हो रहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशी। भाइयों, मैं आप सबों के बीच एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्या हमारे देश में हमारी जो संपूर्णता है, हमारे देश की संपत्ति है, उसमें पहला अधिकार किसका होना चाहिए? हिंदुस्तानियों का होना चाहिए, है कि नहीं? दोस्तों, अभी कुछ नेता, कुछ ऐसे नेता हैं इस देश में जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए एक व्यक्ति विशेष को, एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह का स्टेप, इस तरह के विचारधाराओं में कमियां लाते हैं। इस तरह के लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, रोहिंग्या भी रहना चाहिए, मानवता की दुहाई देते हैं, सैकड़ों की दुहाई दुहाई देते हैं। लेकिन हमारा जो देश है धर्म निरपेक्ष है। इस देश में सभी लोगों को अपने स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने वोट बैंक के लिए एक व्यक्ति विशेष को, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं और फिर दोबारा से मैं अपने MPS परिवार के सभी गार्जियन को, सभी टीचर को और इस समाज में, समाज के भाइयों को मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि आपने पिछले 4 सालों से MPS विद्या मंदिर को नंबर 1 बनाए रखा है। धन्यवाद।